morning to all of you. I am Ranveer Adosa, Physics Faculty. Dear student, in our previous lecture, we discussed about Archimedes principle. In our today lecture, we discuss about our new topic, surface tension. But is surface tension को study करने से पहले हम कुछ basic terms को अच्छे से understand कर लेते हैं, जैसे कि अपने पास बनता है force of cohesion, force of adhesion, और we can say that cohesive force and adhesive force. ठीक है? So बेटे आप heading बना लीजिए. आपका फर्स्ट टॉपिक होगा फोर्स ऑफ कोहेसन. फोर्स ऑफ कोहेसन और वी कैन से दैट कोहेसिव फोर्स. ठीक है, अब देखो बेटे फिजिक्स में जो है ना डेफिनेशन जो आपका क्वेश्चन होगा ना उसी में आंसर उसका होता है, बस से बने होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा दैट फोर्स इज सेड टू बी कोहेसिव फोर्स. बेटी डेफिनेशन क्लियर? सो राइट डाउन इट केयरफुली. इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of the same substances. It is the force of attraction between the molecules of the same substance. It is कौन सा force होगा? Cohesive force. It is a cohesive force है. Cohesive force. आपने एक लिया ग्लास और एक आपने लिया मर्करी. ठीक है,
आपने लिया ग्लास, मरकरी और वाटर, ठीक है। आपने दो टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया और एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया ग्लास, ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। अब आपने इस टेस्ट ट्यूब में फिल किया मरकरी और इस टेस्ट ट्यूब में आपने फिल किया वाटर एस टू, बड़े ध्यान से सुना, और ये दोनों ही ग्लास है, दोनों ही क्या है ग्लास, ठीक है। आपने एक ग्लास ट्यूब में फिल किया मरकरी एच टी और सेकंड ग्लास ट्यूब में आपने फिल किया वाटर एच टू, ठीक है बेटे। अब आप देखते हैं कि जो वाटर है वो इस ग्लास के सरफेस को वेट कर देता है। जैसे आप किसी भी ग्लास में वाटर फिल करेंगे तो उसके चारों ओर आपको वेटनेस नजर आता है, वेट हो जाता है वो, ठीक है। सेकेंड ग्लास में आपने फिल किया मरकरी, आप देखते हैं कि जो मरकरी है वो ग्लास के सरफेस को वेट नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ग्लास, क्वेश्चन ये बनेगा आपका मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस व्हाइल वाटर टच, बात समझ आ रही है। जब आप मरकरी को ग्लास में फिल करेंगे तो ये सरफेस को वेट, ग्लास के सरफेस को वेट नहीं करता है, बट वाटर ग्लास के सरफेस को वेट करता है, वो है। ये क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो देखो बेटे क्वेश्चन यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूं, मरकरी
करते हैं द कोहेसिव फोर्स। बेटे कोई भी लिक्विड कंटेनर को वेट कब करेगा जब आपका एडहेसिव फोर्स जिससे ग्रेटर होना चाहिए कोहेसिव फोर्स है। मैंने क्लियर अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडहेसिव फोर्स। ठीक है सो बेटे ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जिनको आपको माइंड में रखना है। नोट इट अप केयरफुली। ठीक है सो ऑब्जर्व कीजिए।
हम टी से आंसर करना। सरफेस टेंशन सिंबल हमने क्या दिया, टी दिया। अब डेफिनेशन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू by virtue of which its free surface, property के free surface को क्या नाम देते हैं, आप कह सकते हो surface field, its free surface iron needle floor
on liquid surface due to surface tension. क्या है नहीं ये सब किसके वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ये सभी पॉसिबल हुआ ड्यू टू सरफेस टेंशन. बेटे अगर इस सरफेस जब तक इस सरफेस फिल्म ब्रेक नहीं होगा आपका आयन निडल कॉन्टिन्यूअस फ्लोट करता रहेगा. यदि ये सरफेस फिल्म ब्रेक हो गया ना तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा. नहीं समझ में आ रहा है कि सरफेस फिल्म जो है जिसका थिकनेस 10^-10 मीटर है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. बात समझ आ रही है? तो ये आपके मेन कंडीशन है. इसके बाद बेटे हम बात करेंगे जो सरफेस फिल्म है इस एरिया में कुछ एनर्जी भी यूज होगा. तो अब हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एनर्जी. अच्छे से इनको समझिए और कीजिए केयरफुली. ठीक है आपके पास एक सॉफ्ट फिल्म है सरफेस फिल्म है. ठीक है
और एक्स वाई विदाउट फ्रिक्शन इस पे क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ये एक्स वाई इस पे अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी। तो इसका मतलब इस सरफेस फिल्म के दो फ्री सरफेस हो गए। यहां तक क्लियर? ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्स वाई इज पुल टुवर्ड्स ए बी। सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्स वाई है जो स्लाइडिंग करेगा उसको किसकी तरफ पुल किया गया, ए डायरेक्शन आपने लिया टुवर्ड्स ए बी, ए बी की तरफ पुल करेगा। बात समझ आ रही है? Let xy is pulled by a very small distance dx against the surface tension. बेटे अब ध्यान से सुना, ये जो xy है जो इस सरफेस फिल्म AP PQ पे स्लाइड कर रहा है, सरफेस टेंशन के वजह से ये पुल हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ आ रही है? कहां पे हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में गया। अब हमने इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कुछ वर्क किया। जब आप कोई भी काम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट करेंगे तो जो अपवर्ड में मूवमेंट कर रहा था, अब ये फ्री सरफेस कहां मूव करेगा, ये एक्स वाई कहां मूव करेगा, डाउनवर्ड में। और डाउनवर्ड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बेटे, डीएक्स किया। कितना किया भाई? डीएक्स। दो फ्री सरफेस हो गए। अपवर्ड में जाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन और डाउनवर्ड में आएगा जब आप कुछ फोर्स एग्जर्ट करेंगे अगेंस्ट सरफेस टेंशन। बात समझ आ रही है? तो बेटे जब आप ऐसा करेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड जा रहा है, आप उसको डाउनवर्ड में लेके आ रहे हैं, तो अपोजिट फोर्स आप लगा रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो, तो बेटे क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। सो वर्क इज टू बी डन, वर्क डन आपका होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया है, डीएक्स। बेटे बात समझ आ रही है? डीडब्ल्यू इज इक्वल टू एफडीएक्स आपका हो गया। अब आप ये देखो आपके पास कितने फ्री सरफेस है, टू फ्री सरफेस है। यहाँ पे लो बेटे, सरफेस टेंशन आपका होता है फोर्स बाय लेंथ। यहां से फोर्स क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। बट अपने पास कितने फ्री सरफेस हैं, टू फ्री सरफेस, तो यहां पे क्या हो गया, टू है। देखिएगा फोर्स अपना हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। और बेटे टू क्यों आया, क्योंकि अपने पास कितने फ्री सरफेस है, टू फ्री सरफेस है। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका ये, ठीक है। एज देर आर टू फ्री सरफेसेस ऑफ द सरफेस फिल्म, दो फ्री सरफेस है, एक अपवर्ड में दूसरा कहां है, डाउनवर्ड में। सो बेटे एफ हो जाएगा टी इंटू टू एल। अब इस एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, एफ की वैल्यू आपने पुट की टी इंटू टू एल डीएक्स हो गया, ठीक है। अब बेटे टू एल इंटू डीएक्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ ये देखो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ। बेटे लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है। सो आपने इसको राइट किया सरफेस टेंशन इंटू क्या हो गया, डीएक्स, एरिया चेंज इन एरिया हो गया टी इंटू डी ए। और ये जो वर्टन है ना बेटे, दिस वर्टन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस। तो बेटे दिस वर्टन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी आपको हो जाएगा टी इंटू टू ए। अब बेटे इसी के बेस पे आप सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन और बना देंगे। सरफेस टेंशन यहां से हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है। नोट इट आउट, और बेटे फिर इसके बेस पे एक डेफिनेशन आपको और करनी है।
सरफेस टेंशन की डेफिनेशन यहाँ से बनेगी. सरफेस टेंशन में भी डिफाइन है द रेशियो ऑफ वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द चेंज इन सरफेस एरिया. ठीक है, ये बना लेना आप. क्लियर?